राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन वितरित किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठाते हैं और पात्र लोगों का हक छीनते हैं। ऐसे लोगों को टिहरी DSO ने 30 जून तक अपना राशन कार्ड जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अगर 30 जून के बाद कोई अपात्र इस योजना का लाभ उठाते मिला तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। 1200 अंत्योदय कार्ड और 2500 से ज़्यादा NFSA कार्ड और 700 के लगभग APL कार्ड राज्य खाद्य योजना के जमा हुए हैं। और क्योंकि अभी आपको बताएं कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है, अर्थात थम लगाकर ही राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, और इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी, कुछ छोटी दुकानें थी, तो लगभग 11 दुकानें ऐसी जिन्होंने अपना इस्तीफा त्यागपत्र दिया है। इसके अलावा अभी क्योंकि 30 जून तक का टाइम दिया गया है, 30 जून तक कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से कार्ड जमा कराना चाहता है वो जमा करा सकता है।